दोस्तों कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि ये जो दो कौड़ी का जो शरीर है जो दिखने में इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है और जिसके पीछे ये पूरी दुनिया पागल है, आखिर इस सुंदर सी शरीर के भीतर क्या है? दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपके देखने का नजरिया ही बदल जाए। दोस्तों ध्यान से सुनना, हमारा जो शरीर है वो एक पतली सी चमड़ी की चादर से ढका हुआ है जिसे देखकर काफी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन मेरे भाई इसी चमड़ी के ठीक नीचे नीचे क्या है? खून है, मांस है, मलमूत्र है, हड्डियां हैं, इन सब चीजों से भरा पड़ा है, लेकिन इन पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। मेरे भाई अगर इस शरीर को एक टाइम का भी भोजन न मिले तो ये शरीर तड़पने लगता है, अगर इसे 3 दिन तक पानी न दिया जाए तो ये जीवित ही नहीं रहता है। अगर हमारी स्किन पर जरा भी कट लग जाए या फिर चोट लग जाए तो आपको पता ही होगा कि कितना असहनीय दर्द होता है, वो भी थोड़ी बहुत चोट से। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है वो जीवन भर कितने बार बीमार होता है, यानी कि इस शरीर में ऐसी भी बीमारियां लग सकती है जिससे कि शरीर नष्ट हो सकता है। इसलिए मेरे भाई क्यों गलत और गंदे काम करना, क्योंकि शरीर नश्वर है, एक न एक दिन यह मृत्यु को प्राप्त जरूर होता है। मेरे दोस्त इस शरीर को एक यंत्र, एक उपकरण की भांति देखो जिसे पूरे दिन काम नहीं कराया जा सकता, इसे भी समय समय पर आराम की जरूरत होती है और रात को नींद की जरूरत होती है। मेरे दोस्त ये जो शरीर है ये ज्यादा देर तक न तो धूप सहन कर सकता है और न ही सर्दी सहन सकता है, ये बची है इस शरीर की औकात। दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो शरीर है बाहर से बहुत खूबसूरत लगता है और कई सारे लोग बोलते हैं कि जरा उसकी आंखें देखो कितनी सुंदर है, उसके कान देखो, उसके नाक देखो, लेकिन मेरे भाई यह भी ध्यान रखो कि उसके भीतर क्या है, उसके भीतर गंदगी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपको लग सकता है कि ये खूबसूरत है, इसके लिए लोग इत्र का भी यूज करते हैं ताकि शरीर में खुशबू आ सके, लेकिन मेरे भाई इसी शरीर से गंद भी निकलती है, वो भी पसीने से। दोस्तों ये जो शरीर है वो बस एक मांस का टुकड़ा है, कब मिट्टी में मिल जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। जब कोई स्त्री सुंदर पुरुष को देखती है या फिर कोई पुरुष किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो इस शरीर की औकात भूल जाते हैं, क्योंकि दोस्त काम वासना है वो इंसान को अंधा बना देती है, शरीर की असली औकात भुला देती है। दोस्तों हमारा जो मन है वो बहुत भोला है, इसे किसी भी चीज की समझ नहीं होती है, यह हर किसी को देखकर आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको मन से ऊपर उठना है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना, क्योंकि मेरे भाई जो बुद्धि है उसका जो काम है वो है तर्क लगाना, इसे पता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या नहीं, इसलिए अपनी बुद्धि का यूज हमेशा करना। एनीवे मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो तो आप सभी को पता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कि इस बात को गहराई से समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे।